बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। दिस इज़ लेक्चर फॉर क्लास टू सब्जेक्ट इंग्लिश। टुडे वी विल सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन नंबर 3 द फार्मर वर्कबुक पेज नंबर 77 and 78। बिफोर स्टार्टिंग माई लेक्चर आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू स्टूडेंट। दिस इज़ वर्कबुक पेज नंबर 77। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डेट एंड डे कॉम्प्रिहेंशन द फार्मर। लेट्स रीड द कॉम्प्रिहेंशन। बशीर इज़ अ फार्मर, कि बशीर एक किसान है। ही प्लॉग्स इन द फील्ड्स, ही ग्रोज क्रॉप्स, ही इज़ नॉट अ वेरी ओल्ड मैन। कि जो बशीर है वो फार्मर है, वो अपने खेतों में हल चलाता है और सब्जियां जो फसलें उगाता है, और वो इतना ओल्ड भी नहीं है। ही इज़ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, और वो बहुत सेहतमंद और ताकतवर भी है। ही हैज़ अ डॉटर एंड अ सन, कि उसका एक बेटी भी है और एक बेटा भी है। He gets up early in the morning, और वो सुबह सवेरे उठता है। He goes to the mosque and say prayers, और वो फिर मस्जिद जाता है। जब सुबह सवेरे उठता है फिर वो मस्जिद जाता है और वहाँ पर जाके वो नमाज अदा करता है। He comes back and takes his breakfast, उसके बाद जब वो मस्जिद से वापस आता है तो वो ब्रेकफास्ट करता है, सुबह का नाश्ता करता है। He goes to the field, और फिर वो अपने खेतों में चला जाता है। फील्ड मीन खेतों। He starts his work in the morning, और वो जो जब खेतों में जाता है तो अपना काम जो है वो सुबह सुबह ही स्टार्ट कर देता है। His wife brings his lunch at noon, कि जो उसकी वाइफ होती है फिर वो दोपहर को उसका लंच लेके वो भी खेतों में जाती है। His son is a student, और जो उसका बेटा है वो एक स्टूडेंट है, यानी कि वो तालिब इल्म है, वो स्टडी करता है। He is in class 4, और वो class 4 में है। His daughter is in class 3, जो उसकी बेटी है वो class 3 में है। बेटा class 4 में है और बेटी class 3 में है। His son helps him, और उसका जो बेटा है वो उसकी help करता है, वो अपने बाबा की खेतों में जाके ना help करता है। He joins him after the school, जब वो school से वापिस आता है तो वो खेतों में जाके अपने बाबा की help करता है। They work together, और वो दोनों मिलकर फिर बाप बेटा जो है वो खेतों में काम करते हैं। दे ईट देयर लंच, और वहाँ पे वो लंच भी करते हैं कि दोपहर का खाना खाते हैं। दे टेक रेस्ट आफ्टर लंच, और उसके बाद वो आफ्टर लंच यानी कि खाना खाने के बाद वो थोड़ी देर रेस्ट भी आराम भी करते हैं। दे गो होम इन द इवनिंग, और फिर वो शाम को अपने घर वापस चले जाते हैं। स्टूडेंट दिस इज़ कम्प्रिहेंशन अबाउट अ फार्मर बशीर, कि उस बशीर खेतों में काम करता है, उसकी एक बेटी है और एक बेटा है, और वो जो उसका बेटा है वो स्कूल 4 क्लास में है, बेटी 3 क्लास में है। तो जब वो उसका बेटा स्कूल से वापस आता है तो वो अपने बाबा की हेल्प के लिए खेतों में चले जाता है, तो वहाँ पे वो दोनों मिलके काम करते हैं, तो उसके बाद वो शाम को अपने घर वापस आते हैं। अब हमने स्टोरी रीड की है, अब हम इसके जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। व्हाट डज बशीर डू, कि बशीर क्या करता है। टीचेस इन अ स्कूल, मेंड शूज, हॉन्ट द एनिमल्स, वर्क इन द फील्ड्स, कि वो टीचर है या वो शूज सिलाई करता है या वो हंट शिकारी है या वर्क इन द फील्ड या वो खेतों में काम करता है। तो वो फार्मर था तो वो क्या करता था, खेतों में काम। तो हम इसको सर्कल करेंगे। बशीर इज़ नॉट अ वेरी डैश मैन, कि वो यंग मैन नहीं है, बिग मैन नहीं है, ओल्ड मैन नहीं है या ब्रेव मैन नहीं है। तो इसका क्या है, ओल्ड मैन नहीं है। बशीर इज़ नॉट अ वेरी ओल्ड मैन। नेक्स्ट है, ही स्टार्ट्स हिज वर्क इन द डैश, वो अपना काम कब स्टार्ट करता है, लेट मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून या मॉर्निंग। यस, कि वो मॉर्निंग में ही अपना काम जो है वो स्टार्ट कर देता है। ही सन रीड्स इन द क्लास डैश, उसका बेटा जो था वो कौन सी क्लास में पढ़ता था, 4 क्लास में। तो हम इसमें 4 को सर्कल करेंगे। What adjectives can be used for farm instead of healthy? कि अगर हम farmer की healthy की बजाय कोई और word use करना चाहें तो वो कौन सा करेंगे, lazy, सुस्त, important, अहम, active या big? Yes, active, कि वो बहुत चुस्त था, वो अपना काम जो है वो बड़े अच्छे से करता था। तो हम इसको सर्कल करेंगे। तो स्टूडेंट इस तरह हमारा वर्कबुक पेज नंबर 77 जो है वो सॉल्व होगा। नेक्स्ट पेज नंबर 78। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डेट एंड डे, आंसर द क्वेश्चंस।
डू यू थिंक फार्मर सन इज अ गुड बॉय एंड वाई, कि आपके ख्याल में जो सन फार्मर बशीर का बेटा था वो अच्छा लड़का था या बैड, तो वो क्यों अच्छा था? यस हिज सन इज अ गुड बॉय, यस जी हाँ उसका बेटा एक अच्छा लड़का था, बिकॉज ही हेल्प्स हिम, क्योंकि वो उसकी हेल्प करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हेल्प योर पेरेंट्स, क्या आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं? यस आई हेल्प माई पेरेंट्स इन देयर वर्क, कि जो भी वो वर्क काम कर रहे होते हैं तो हम भी उनके साथ मिलकर उनकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है, राइट योर गुड हैबिट्स एनी टू, क्या आपकी टू हैबिट्स जो हैं वो बताएं, कोई सी भी आप राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई ओबे माई पेरेंट्स, कि मैं अपने पेरेंट्स वालदेन का कहना मानती हूँ। आई रिस्पेक्ट माई एल्डर्स, को मैं बड़ों का अदब करती हूँ। तो आप इसको चेंज भी कर सकते, आपने अपनी टू हैबिट्स जो हैं वो राइट करनी है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, कि कम्प्रिहेंशन का जो मेन आइडिया है वो कौन सा है? तो इसके बहुत से हो सकते हैं, जैसे रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, हेल्प योर पेरेंट्स इन देयर वर्क। तो इस तरह जो आपको अच्छा लगेगा आपने वो राइट करना है। स्टूडेंट्स, इस तरह हमारा वर्कबुक पेज नंबर 78 भी सॉल्व होगा। दिस इज़ योर डायरी लर्न प्लस प्रैक्टिस, वर्कबुक पेज नंबर 77 एंड 78 के 77 और 78 पे जितने क्वेश्चन हैं आप उनकी नोटबुक पर प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद आपने राइट फ्यू लाइन्स अबाउट योर स्कूल और नोटबुक, और अपने स्कूल के बारे में आपने कोई सी भी 5 लाइन्स जो हैं वो अपनी अपनी नोटबुक पर राइट करनी है, कि आपका स्कूल कैसा है, तो उसके बारे में जो आप राइट करना चाहें उसको नोटबुक पर राइट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।